हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, हम ग्राफ की हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा। जैसे हमने देखा कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, या फिर हमने ग्राफ से कुछ इनक्वालिटीज को सोल्व करा और कुछ हमने बेसिक ग्राफ पढ़े। अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं इस पूरी सीरीज में। अब आज हम करने जा रहे हैं ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, किस तरह से ग्राफ को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि एफ एक्स को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किस में, एफ एक्स प्लस माइनस ए में। यानी कि अगर आपके पास कोई भी बच्चों ग्राफ दिया हुआ है और आप इससे ये ग्राफ बनाना चाह रहे हैं एफ एक्स से एफ एक्स प्लस ए, ठीक है बच्चों। जैसे कि छोटा सा मैंने कोई सा भी ग्राफ ले लिया, ये सपोज करो ये आपका एक ग्राफ है, क्लियर। एक मैंने एक ग्राफ लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं प्लस ए यूनिट ऊपर खिसका दूं, कितना प्लस ए। तो देखो, जब भी प्लस आएगा तो आप समझ लेना, जब किसी भी फंक्शन में आप पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसको शिफ्ट करेंगे अपवर्ड। तो क्या करेंगे, शिफ्ट अपवर्ड थ्रो ए यूनिट्स, क्लियर है बात इतनी। यानी कि उसे ए यूनिट से क्या कर दो बच्चों, ऊपर खिसका दो। जैसे ये है, अब मैं इसको जब ए यूनिट से ऊपर खिसकाऊंगा तो ये चीज कहाँ जाएगी, मान लो ये यहाँ आ गया और ये कुछ आपका ऐसे चला जाएगा। ये ए यूनिट क्या हो गई, खिसक गई। हर एक चीज कितनी ए ए ए यूनिट से कहाँ चली गई है, ऊपर। क्लियर होगी इतनी बात। मैंने क्या बताया कि जब कभी भी बच्चों आपको एफ एक्स दिया हो और आपको एफ एक्स प्लस ए निकालना हो, यानी आपको कोई प्लस क्वांटिटी कर रहे हैं, तो आप क्या करें, उतनी ही यूनिट से उस पूरे ग्राफ को ऊपर शिफ्ट कर दो। क्लियर है बात इतनी, ओके। अब अगर आपको एफ एक्स माइनस ए निकालना हो, दूसरा वाला क्या है, सेकंड हमारे पास है कि हम एफ एक्स से क्या कर रहे हैं बच्चों, एफ एक्स माइनस ए, तो आप क्या करें, उतने ही यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट कर दो। क्या कर दो, शिफ्ट डाउनवर्ड थ्रो ए यूनिट्स, क्लियर है बात इतनी। उसे क्या कर रहे हैं, एक यूनिट से, ए यूनिट से क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास ग्राफ था ये हमारे पास एफ एक्स था। अब मैंने क्या करा, ये वाला जो फंक्शन है ये आपका है एफ एक्स प्लस ए, और अब मैं करना चाह रहा हूँ क्या, इसको माइनस नीचे। तो देखो, ये जो पॉइंट होगा वो यहाँ आ जाएगा, तो आपका जो ग्राफ होगा ए यूनिट, तो ये आपका ए यूनिट नीचे खिसक जाएगा। थोड़ा सा कर्व आप ढंग से बना लीजिए तो ये बन जाएगा कुछ ऐसे, क्लियर है बात इतनी, ओके। तो हमने क्या करा, उसको ए यूनिट्स क्या कर लिया बच्चों, उसको नीचे खिसका दिया। ये ए यूनिट कहाँ आ गया, नीचे, क्लियर है। तो ये ग्राफ हो गया एफ एक्स माइनस ए। यानी कि अगर आपको क्या करना है, क्या नाम, ए यूनिट्स नीचे खिसकाना है, तब जब आपको निगेटिव में है। अगर आपको कोई चीज़ प्लस करनी है तो बच्चों उतने ही यूनिट से उसे कहाँ खिसका दो, ऊपर। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल भी देख लेता हूँ इसके। जैसे आपके पास एक रिलेशंस दिया हुआ है बच्चों, एक रिलेशन मान लो आपके पास है एफ एक्स, आपको दिया हुआ है e की पावर x, कितना है बच्चों, e की पावर x, ठीक है। आपको बनाना है एफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 1, क्लियर है बात। मैंने आपको सिखाया था e की पावर x का जो फंक्शन होता है बच्चों वो ये होता है, ये आपका e की पावर x है, क्लियर है बात। ये हमें पता है ये 1 है। अब मेरे को क्या करना है, इसको 1 यूनिट ऊपर खिसकाना है। तो ग्राफ जो होगा वो आपको बच्चों कहाँ हो जाएगा, ये जो ग्राफ था इसको एक यूनिट कहाँ खिसका दो, ऊपर, तो ये हो जाएगा 2, और ये ग्राफ हो गया e की पावर x प्लस 1, क्लियर है बात इतनी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात। अब अगर मान लो बच्चों आपको क्या करना है, इसमें माइनस करना हो, चलो भाई वो भी देख लेते हैं कि आपके पास जो बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस 1 है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक यूनिट नीचे खिसका देंगे। कहाँ पर, एक यूनिट नीचे। देखो भाई, जब मैं यहाँ पर रखूँगा तो ये एक यूनिट नीचे खिसक जाएगा, तो ग्राफ यहाँ आ जाएगा ऐसे। ये आपका ग्राफ था पहले, ठीक है भाई, ये 1 था, तो 1 से अब क्या आ गया, 0, क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी कि हमने क्या करा है, उसको नीचे खिसका दिया, चलो ये अच्छी बात है। तो ये हमारा क्या हो गया, e की पावर x माइनस 1, और ये क्या है, e की पावर x,
क्लियर है, यानी कि जब हम निगेटिव कर रहे हैं तो उसे डाउनवर्ड, और जब पॉजिटिव कर रहे हैं तो उसे बच्चों अपवर्ड। एक तो एग्जांपल और देखते हैं, फटाफट इसे नोट करें। अब अगर मैं मूड वाला ले लेता हूँ एक कॉन्सेप्ट, उसे भी देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू मूड एक्स। मान लो मेरे को 2 बनाना है और एक बार में को एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 बनाना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला काम क्या होगा कि आप किसका ग्राफ बनाएं, मोड एक्स का बना लो। मोड एक्स का ग्राफ आपको पता है कि ये होता है, ठीक है भाई, ये आपका मोड एक्स का ग्राफ हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको 2 यूनिट ऊपर खिसकाना है, इसको 2 यूनिट ऊपर, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा, ये आपकी होगी 2 और ये हो गया आपका मोड एक्स प्लस 2। क्लियर है बात। अब अगर आपको बच्चों इसका ग्राफ बनाना है तो आपको दिमाग में आ रहा होगा कि आप क्या करेंगे, उसे सिंपल एक यूनिट से नीचे खिसका दोगे। तो एक यूनिट जब नीचे खिसकाओगे तो ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये हो गया बच्चों माइनस 1 और हमारा ग्राफ हो गया मोड एक्स माइनस 1। क्लियर है बात। और देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे आपके पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने एक्स स्क्वायर का कर्व देखा है तो आपको पता है कि पैराबोलिक होता है, कुछ ऐसे बनता है। क्लियर है। अब अगर मैं चाहता हूं कि एफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 मेरे को बनाना है तो मैं क्या करूंगा बच्चों, इसी कर्व को 2 यूनिट से नीचे खिसका दूंगा, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो ऐसे बन जाएगा। तो ये आ जाएगा एफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है बात, इतनी पक्का। पॉजिटिव कर रहे हैं तो ऊपर, नेगेटिव यानी कोई चीज़ माइनस कर रहे हैं तो उसको डाउनवर्ड। फटाफट नोट करें, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, आपके पास अगर मान लो इनवर्स में दे दें कोई चीज़ तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास दे दिया साइन इनवर्स, इस तरह से आपको दे दिया कि एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया कि एफ एक्स आपके पास है साइन इनवर्स एक्स, तो इसका कर्व मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे बनता है। ये वैल्यू होती है माइनस 1, ये 1, ये पाई बाई 2 और ये माइनस पाई बाई 2। तो ये किसकी है बच्चों, साइन इनवर्स एक्स की। आपसे कहा जाए कि आप क्या करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 का ग्राफ बनाओ, पॉसिबल है? आपसे कहा जाए साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 का, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप क्या करेंगे, आप इसको एक यूनिट ऊपर खिसका देंगे, इसको एक यूनिट ऊपर। तो एक यूनिट जब ये ऊपर खिसकेगा तो मान लो ये यहाँ आ गया 1 पर, तो इसका ग्राफ कुछ आपका ऐसे हो जाएगा। क्लियर है बात, इतने इसको क्या कर दिया, एक यूनिट ऊपर खिसका दिया, तो ये चीज़ आपकी ऐसी तो चली जाएगी। क्लियर है, पक्का? चलो भाई, तो यानी कि हमारे पास क्या हुआ, हमने, और अगर हमें क्या करना है, इसको निगेटिव करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको एक यूनिट नीचे खिसका देंगे, इसी चीज़ को एक यूनिट कहाँ खिसका देंगे, नीचे। तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर है बात, यानी कि अगर हमें साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 करना है तो इस ग्राफ को एक यूनिट ऊपर, और माइनस करना है तो एक यूनिट नीचे हमने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। कोई दिक्कत वाली बात, पक्का? चलो भाई, फटाफट इसे आप लिख सकते हैं। तो हमने आज की क्लास में बच्चों क्या देखा, सबसे पहले हमने ये देखा कि कोई अगर फंक्शंस है उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है एफ एक्स प्लस ए या एफ एक्स माइनस ए में, प्लस में हम उसी यूनिट को ऊपर और अगर माइनस करना है तो उसी यूनिट से नीचे शिफ्ट कर देते हैं। इस क्लास में बच्चों इतना ही, थैंक यू।